दुर्भाग्य का कारण है ये पांच तस्वीरें, भूलकर भी ना लगाएं घर में। सुंदरता बढ़ाने के लिए कई तरह की तस्वीरें घर में लगाई जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये तस्वीरें भी घर के ओरा मंडल को प्रभावित करती हैं। कुछ तस्वीरें लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, वहीं कुछ तस्वीरें नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं। इससे घर में रहने वाले लोगों पर भी गलत असर पड़ता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. प्रफुल्ल भट्ट के अनुसार जानिए वो कौन सी तस्वीरें हैं जो घर में नहीं लगानी चाहिए। नंबर वन, बहते हुए पानी या झरने की तस्वीर। घर में बहते पानी या झरनों की तस्वीरें ना लगाएं। बहता पानी की तस्वीर घर में हो रहे आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। वास्तु शास्त्र में मान्यता है कि जिस घर में बहते पानी की तस्वीर होती है वहाँ पर धन नहीं टिकता। नंबर टू, हिंसक जानवरों की तस्वीर। आजकल जानवरों की पेंटिंग को घर में लगाना चलन में है। देखने में आकर्षित लगने वाली ये तस्वीरें आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। किसी जंगली जानवर की तस्वीर या शोपीस घर पर रखने से घर में रहने वालों का स्वभाव गुस्से वाला होने लगता है। इससे घर में क्लेश और हिंसा बढ़ती है। नंबर फोर, रोते हुए बच्चों की तस्वीर। आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम पर कई अजीब तरह की तस्वीरें चलन में हैं। कई लोगों के घर में रोते हुए बच्चों की तस्वीरें भी सजाई जाती हैं। इस तरह की तस्वीर घर या दुकान में लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। बच्चों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बच्चों की रोती हुई तस्वीर लगाने से दुर्भाग्य बढ़ता है। नंबर चार, डूबते हुए जहाज या नाव की तस्वीर। डूबती नाव अगर घर में रखी हो तो अपने साथ आपका सौभाग्य भी डुबा देती है। घर में रखी डूबती नाव की तस्वीर या कोई शोपीस सीधा आपके घर के रिश्तों पर बुरा असर डालता है, इसलिए ऐसा कोई भी चित्र या शोपीस घर में न रखें। नंबर पाँच, युद्ध को दर्शाती तस्वीर। घर के किसी भी कमरे में युद्ध, किसी पिशाच या जादूगर की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करने से घर की शांति भंग होती है और घर में सदस्यों में लड़ाई तनाव का माहौल बना रहता है। युद्ध की तस्वीरें घर में लगाने से घर के सदस्यों के आपसी प्रेम और विश्वास पर असर पड़ता है।